राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, असली भारत गांव में बसता है। और उस असली भारत की जिम्मेदारी है पंच परमेश्वरों पर। स्वास्थ्य, शिक्षा, सुविधाएं, रोजगार, इन सब का है पंचों से सीधा सरोकार। किसके हाथों में है देश की जागीर और कौन बदल रहा है देश की तस्वीर। पंचायतों के विकास पर हम करेंगे बात, दिखाएंगे आपको गांव के सच्चे हालात। अब हर रोज रात 9 बजे पंच परमेश्वर। गांव में सफाई कर्मी नियुक्त होने के बाद भी नहीं हो रही साफ सफाई, ग्रामीण परेशान, जिम्मेदार मौन और गांव में बनी नाली चढ़ गई है भ्रष्टाचार की भेंट। बता दे कि आजमगढ़ जिले के पवई ब्लॉक के आंधीपुर गांव में सफाई कर्मी नियुक्त होने के बाद भी नालियां बदबू दे रही हैं, जाम है और अभी जल्द ही नाली का निर्माण गांव में हुआ है जो कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। जगह जगह नाली टूट रही है, ग्रामीण परेशान है। ग्रामीणों ने बताया कि इसकी शिकायत हम लोग कई बार संबंधित अधिकारियों से कर चुके हैं पर कोई कार्रवाई नहीं होती। सरकार जहां स्वच्छता अभियान पर इतना ध्यान देती है वहीं गांव के प्रधान और सेक्रेटरी मिलकर इस योजना पर पानी फेरने से बाज नहीं आते। सवाल ये बनता है कि सेक्रेटरी व प्रधान के बिना पैरोल पर सिग्नेचर किए सफाई कर्मी को तनख्वाह नहीं मिलती तो आखिर क्या चीज देखकर सेक्रेटरी व प्रधान पैरोल पर सिग्नेचर करते हैं, जबकि गांव में साफ सफाई नहीं होती और गांव में जो नाली निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ है उसे किस गुणवत्ता को देखकर जेई महोदय ने पेमेंट पास किया होगा, जबकि नाली कहीं कहीं धंस गई है और सामने बरसात का मौसम है, ग्रामीणों के लिए मुसीबत बनी हुई है। आइए देखिए ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा। राम जी का नाम अनारा देवी, उनके पति श्री राम राजभर जी हैं, बाहुबली हैं और बाहुबली हैं और कहते हैं कि हम अपने बड़े से बनवाए हैं नाली। और इसमें कोई शिकायत आप लोग ब्लॉक में कभी किए? जी कई बार किए हैं। तो ब्लॉक वाले क्या, एक बार आए थे अपना सेक्रेटरी साहब भी आए थे, वही नप रहा था तो उसमें मार हो गई। तो सेक्रेटरी साहब का नाम क्या है? देखिए समस्या इतना पानी इकट्ठा हुआ है, गाँव वाले पूरी बीमारी से जूझे हुए हैं। और चाचा जी हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, हम इनसे पूछते हैं समस्या क्या है। आपका नाम क्या है? सुरेंद्र। समस्या क्या है? समस्या साहब ये जो है नाली बनी बाटे जो है कभी के अब जो है पानी कहाँ, पानी हम लोग के घर में जा रहा जो है नाली उतरा जो है किसके माध्यम से बनाया है? किसके माध्यम से बनाया नाली? बनवाया कौन है? ये प्रधान बनवाया, प्रधान का। अच्छा, अनारा नाम है। तो ये कितना दिन बना हुआ दादा? ये कितने दिन का है? अभी साहब एक हफ्ता मुश्किल से, अभी नको महीना ना है, 15-20 दिन दोनों को। ये देखिए ग्रामीण के लोग सभी कागज में कितना है? 10-20 साल करी गाड़ा गाड़ा नहीं। अच्छा, कागज है बुझे कि आप बताइए गाड़ा है, अगर गाड़ा को खाली करा दिया जाए तो हमको नाली जरूरत ही नहीं है। ये 10-20 साल का कागज में है, 10-20 साल से दो हाथियों लगा के बोल रख दिया जाए तो भाई कितना गहरा रहेगा, फुट नहीं टूटे। नाली बना बाटे वहाँ पानी रह रहा है, वो काम 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 आज हम उपस्थित है आंधीपुर गांव में जो पवई ब्लॉक में पड़ता है। देखिए स्थिति क्या है नाली का, अब ये ताजी नाली बनी हुई है, पानी उसी गाड़ी में जा रहा है, पानी उसी गाड़ी में जा रहा है, अभी बैठ गया। ये जोड़वा टंकी दिखाई दी है, जोड़वा देख लीजिए, हाँ ये सब जोड़ देख लीजिए, इसको दिखा दीजिए पानी कैसे निकली माटी। नाम क्या आपका? सर मेरा नाम रामनाथ राजधर, ग्राम आदिपुर का निवासी हूँ।
और हमारे गांव में इस पोखरे का सुंदरीकरण 2 बार ही हुआ, लेकिन सुंदरीकरण का नाम तो कुछ नहीं है। तीसरी बार भी हमें जानकारी नहीं, लेकिन 2 बार की जानकारी है। और पंचायत द्वार तो रामकृष्ण यादव जी बनवाए थे सांसद से, जब तब से इसकी हालत बहुत जर्जर है। पंचायत भवन है, पंचायत भवन है जी। एक बार कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पंचायत भवन का वीडियो दिखाएं, अंदर थोड़ा दिखाएं। देखिए यहाँ कुछ भैंस बांधी हुई है, और ग्रामीणों का कहना है कि जो पोखरा बता रहे हैं पोखरा साइड में अभी सरोवर और सर और कोई समस्या है आपके पास? समस्या नाली वाली की भी समस्या है बहुत ज्यादा। प्रधान से आप लोग कभी पूछे नहीं कि मतलब बहुत बात है सर, बहुत झगड़ा हो जाती है, मार हो गई थी, ऐसे रास्ता बन रहा था, ये बोल दिया रामजोर जी बोल दिया, उनको सब मार दिया, बहुत मार मारे, केस भी चल रहा है इनका, केस चल रहा है जी। और वो जाने के लिए इतनी समस्या है कि जानवर